प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में काल पर कबीर के दोहे अर्थ सहित पूरी जानकारी दी जा रही है। काल जीव को ग्रासई बहुत कहो समझाए, काल जीव को ग्रासई बहुत कहो समझाए, कह कबीर मैं क्या करूं कोई नहीं पतियाए, कह कबीर मैं क्या करूं कोई नहीं पतियाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत समझा कि मृत्यु इस जीवन का ग्रास है, वह किसी भी समय आ सकती है, परंतु ये जीव मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, कोई भी इस जीवन के एकमात्र सत्य को स्वीकार नहीं करता। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुठी कछु गोद, जगत चबैना काल का कछु मुठी कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार के लोग झूठे सांसारिक सुख को सुख मानकर खुशियां मना रहे हैं, परंतु यह संसार काल का चबैना है, कुछ उसकी मुट्ठी तथा कुछ उसकी गोद में है, जिसे समय समय पर चबाता रहता है। सब जग सूता नींद भरी मोहि न आवे नींद, सब जग सूता नींद भरी मोहि न आवे नींद, काल खड़ा है बारने तोर नयाया बिंद, काल खड़ा है बारने तोर नयाया बिंद। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार निश्चिंत होकर सो रहा है, परंतु मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि काल मारने को तैयार खड़ा है। काल हमारे संग है कंस जीवन की आस, काल हमारे संग है कंस जीवन की आस, दस दिन नाम संभार ले जब लग पिंजर सांस, दस दिन नाम संभार ले जब लग पिंजर सांस। कबीरदास जी कहते हैं काल हर समय हमारे साथ ही है, फिर जीवन की आशा कैसे हो सकती है। अतः जब तक शरीर में सांस है तब तक प्रभु का नाम लेकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। टाले टूले दिन गया ब्याज बढ़ता जाए, टाले टूले दिन गया ब्याज बढ़ता जाए, ना हरि भजन खत कटा काल पहुँचाया, ना हरि भजन खत कटा काल पहुँचाए। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में जन्म लेकर सारा जीवन टाल मटोल में ही बीता जा रहा है, संसार का ऋण तो उतार ना पाए और ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। न तो भगवान का भजन किया, न ही कोई पुण्य कर्म किया, तथा समय पूरा होने पर काल आ गया, समय पूरा होने पर काल आ गया। इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब
जरूर करें।